आखिर किसकी रियल लाइफ कहानी पर कराटे किड फ्रेंचाइजी का इंस्पिरेशन लिया गया था, और क्या सचमुच कोई मिस्टर मियागी भी थे? कौन कौन सी ऐसी कराटे किड मूवीज के प्लान थे जो हमें कभी देखने को नहीं मिला? जैकी चैन ने आखिर चाइना के अंदर 2010 की कराटे किड रिबूट मूवी को प्रोडक्शन में कैसे हेल्प की थी, और आने वाली नई कराटे किड मूवी कैसी होने वाली है? कराटे किड फ्रेंचाइजी पॉप कल्चर के अंदर एक बहुत ही आइकॉनिक फ्रेंचाइजी रही है, जिसे 2010 में जैकी चैन और जेडन स्मिथ के साथ रिबूट किया गया था, और फाइनली उसकी लेगेसी को कोबरा काई सीरीज के साथ आगे बढ़ाया गया है। और जैसा कि हमने कोबरा काई सीरीज पर बात ऑलरेडी की थी, कराटे किड के भी एक सेपरेट वीडियो आना जरूरी थी, इसीलिए चलिए कर लेते हैं 15 बिजी माइंड ब्लोइंग ऑसम द कराटे किड मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉइलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फिर स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द आइकॉनिक कराटे किड फ्रेंचाइजी की शुरुआत बेसिकली एक रियल लाइफ के इंसान की लाइफ के इंस्पिरेशन से ही हुई थी, और ये बेसिकली एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है इसी फ्रेंचाइजी के स्क्रीन राइटर रॉबर्ट मार्क कामेन की, जो 1964 के न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर के दौरान एक ग्रुप ऑफ बॉयज से 17 साल की उम्र में पिट चुके थे, और उन्हीं से निपटने के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था, जहां पर शुरुआत में तो उन्हें एक ऐसा टीचर मिला था जो मूवी के अंदर दिखाए हुए जॉन क्रीज की तरह ही बिल्कुल सख्त था और रिवेंज और वॉयलेंस सिखाता था। अंत में उन्होंने उसे छोड़कर गोजो रियो कराटे दोजो के अंदर एक जापानीज टीचर के अंदर रहकर कराटे सीखा, जिनकी इंग्लिश तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लाइफ के कुछ बहुत ही बेहतरीन लेसन उन्हें सिखाए। खैर, रॉबर्ट मार्क कामेन की इनका नाम मिस्टर मियागी तो नहीं था, लेकिन हाँ, इस टीचर ने जिनसे सीखा था उनका नाम चोजन मियागी जरूर था, जिनका जन्म 25 अप्रैल 1888 को हुआ था, और इन्होंने बेसिकली ओकिनावन मार्शल आर्ट को डेवलप करने और स्प्रेड करने में हेल्प की थी, जहां पर इन्होंने अपना खुद का स्कूल गोजो रियो खोला था, जहां पर इन्होंने कराटे के अंदर ओकिनावन और चाइनीज इन्फ्लुएंस को मिक्स करके अपने नए फॉर्म्स को सिखाया था। इन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए मूवी के अंदर मिस्टर मियागी के कैरेक्टर को बनाया गया, साथ ही साथ चोजन मियागी के चोजन नाम को सेकंड मूवी के अंदर यूजी ओकोमोतो के कैरेक्टर चोजन के साथ ट्रिब्यूट दिया गया। लेकिन इनिशियली मूवी को बनाने से पहले यहाँ पर कोलंबिया पिक्चर्स को डीसी से परमिशन क्यों लेनी पड़ी थी? वेल, आपको शायद ना मालूम हो कि डीसी कॉमिक्स के पास कराटे किड नाम का एक कैरेक्टर पहले ही से मौजूद था, जिसके कारण फिल्म मेकर्स को यहाँ पर स्पेशल परमिशन 1984 में डीसी से लेनी पड़ी थी, ताकि वो इसके टाइटल और इसके सीक्वल पर काम कर पाए। लेकिन आज जहाँ पर राल्फ मकियो डेनियल लरूसो के रोल के लिए काफी ज्यादा आइकॉनिक हैं, इनसे पहले कई सारे हॉलीवुड सुपरस्टार्स को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, जिनमें शामिल थे शॉन पेन, चार्ली शीन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, निकोलस केज और टॉम क्रूज जैसे एक्टर्स। वहीं पर एक्टर क्रिस्पिन ग्लोवर को जॉनी लॉरेंस के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पर विलियम ज़ैपका को इस रोल के लिए फाइनल किया गया। वहीं पर मिस्टर मियागी के लिए पहले एक्टर तोशिरो मिफुने को कास्ट किया जा रहा था, जो बेसिकली एक बहुत ही आइकॉनिक जैपनीज एक्टर थे, और इन्होंने अकिरो कुरोसावा की रैशोमोन, सेवन समुराई और द हिडन फोर्ट्रेस के अंदर लीड का रोल निभाया था, लेकिन जैसा कि उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, वो इस रोल को नहीं प्ले कर पाए। फाइनली इस रोल के लिए पैट मोटिया को चुना गया, बट जैसा कि उन्हें मूवी के अंदर दिखाया गया था, रियल लाइफ में पैट मोटिया इंग्लिश में फ्लुएंट और एक कॉमेडियन थे, जिसके कारण स्टूडियो उन्हें हायर नहीं करना चाहता था, बट उन्होंने स्पेसिफिकली इस रोल के लिए दाढ़ी बढ़ाई और अपने अंकल की तरह अपने एक्सेंट को क्रिएट किया, और ऐसे उन्होंने मिस्टर मियागी को प्ले किया, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिली थी। अब जाहिर सी बात है, जैसा कि पहली मूवी आज तक इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इसके आने के बाद बहुत ही सिग्निफिकेंट कल्चरल इम्पैक्ट हमें अमेरिका के अंदर देखने को मिला, और एक्चुअली इस मूवी ने कराटे को अमेरिका के अंदर पहले से भी कहीं ज्यादा पॉपुलर कर दिया। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर जॉनी लॉरेंस का भी कैरेक्टर काफी पॉपुलर हुआ था, जिसके नाम पर एक पूरा का पूरा अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल रॉक बैंड स्वीप द लेग जॉनी भी है। साथ ही साथ विलियम ज़ैपका और राल्फ मकियो हाउ आई मेट योर मदर के अंदर भी कैमियो दे चुके हैं, जिसमें बार्नी स्टिंसन के बैचलर पार्टी को दिखाया गया था, और यही कैमियो बेसिकली इंस्पिरेशन बनी थी आज के मॉडर्न कोबरा काई सीरीज की। सेकंड मूवी के अंदर वैसे तो ऐसा दिखाया गया था कि यहाँ पर मिस्टर मियागी और डैनियल जापान के ओकिनावा को ट्रेवल करते हैं, बट एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा नहीं था, और सेकंड मूवी के अंदर मेजर फिल्मिंग अमेरिका के हवाई में ही हुई थी, क्योंकि जापान के ओकिनावा में उस जमाने में
कई सारी अमेरिकन मिलिट्री बेसेस बन चुकी थी जिसके कारण उन्हें कोई खाली जमीन नहीं मिल रही थी। फाइनली हवाई के ओहाउ में एक रिटायर्ड फिजिशियन की जमीन पर पूरे के पूरे उस ओकिनावा के गांव को बनाया गया था, जहां पर बेसिकली 7 ओकिनावन हाउसेस को रेप्लिकेट करके वहां कंस्ट्रक्ट किया गया था। साथ ही साथ यहां पर तकरीबन 50 ओकिनावा बॉर्न हवाईयन रेजिडेंट्स को भी इस फिल्म के एक्स्ट्रास के रूप में कास्ट किया गया था और तकरीबन 3 एकड़ के अंदर इस पूरे के पूरे मूवी के सेट्स को डिजाइन किया गया था। वहीं पर अगर बात की जाए पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 बेसिकली एक बहुत ही अलग मूवी होने वाली थी उसके मुकाबले जो हमें देखने को मिली, क्योंकि पार्ट 3 के अंदर बेसिकली यहां पर इस फ्रेंचाइजी के प्रीक्वल को एक्सप्लोर किया जाता, जिसमें डैनियल और मिस्टर मियागी ड्रीम स्टेट के अंदर 16th सेंचुरी चाइना को विजिट करते, जहां पर मियागी अपने एंसेस्टर से मिलते और ये बेसिकली एक हांगकांग स्टाइल वुक्शुआ फिल्म की तरह होती, जिसमें बेसिकली एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी होती। बट उस जमाने के हिसाब से कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा ही अलग था, जिसके कारण इस पर काम नहीं किया गया और एक पूरा का पूरा नया प्लॉट ही डेवलप किया गया। अब पता नहीं आप में से कितने सारे 90s किड्स को ये बात मालूम होगी कि एक्चुअली कराटे किड का अपना एक एनिमेटेड टीवी शो कार्टून नेटवर्क पर हिंदी में आया करता था, लेकिन ये ओरिजिनली 9 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी, जिसके एक ही सीजन थे और 13 एपिसोड, और इस पूरे के पूरे कराटे किड फ्रेंचाइजी से मेरा इंट्रोडक्शन इसी कार्टून सीरीज से हुआ था। खैर 1994 की द नेक्स्ट कराटे किड और 2010 के कराटे किड के बीच में भी बहुत सारे प्लान्स थे इसकी एक मूवी को लाने की, जहां पर साल 2020 में विलियम ज़ैपका ने कोलाइडर को एक इंटरव्यू में बताया था कि यहां पर पैट मोर्टिया ने ओरिजिनली उन्हें एक मूवी का आइडिया पिच किया था, जहां पर बेसिकली जॉनी लॉरेंस एक डॉक्टर बनता और मिस्टर मियागी के आखिरी वक्त पर वो उनकी सेवा करता हुआ नजर आता, लेकिन इस मूवी के डेवलपमेंट के दौरान ही पैट मोर्टिया का देहांत हो गया। इसके साथ साथ साल 2022 में राफ मकियो ने बात रिवील की कि 2012 में कराटे किड और रॉकी फ्रेंचाइजी का भी एक क्रॉसओवर हो सकता था, क्योंकि दोनों ही ओरिजिनल मूवीज को यहां पर डायरेक्टर जॉन जी एविल्डसन ने ही डायरेक्ट किया था, जिसमें डैनियल लरूसो की बेटी और रॉकी बेल्बोआ के बेटे को दिखाया जाता। बट इवेंचुअली दोनों की दोनों फ्रेंचाइजी अपने अलग अलग स्टाइल में आगे बढ़ी, जहां पर रॉकी क्रीड के रूप में आगे बढ़ी, वहीं पर कराटे किड कोबरा काई के रूप में। फाइनली द कराटे किड 4 यानी द नेक्स्ट कराटे किड के ठीक 16 साल बाद यानी 2010 में जेडन स्मिथ वाले नए कराटे किड रिबूट मूवी को रिलीज किया गया, लेकिन मेरे लिए कभी भी इस मूवी के नाम का सेंस नहीं बन पाया, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इस नए मूवी के अंदर कंग फू दिखाया गया था, ना कि कराटे, और यही रीजन था कि इस मूवी को एक टाइम पर द कंग फू किड ही बुलाया जाना था, लेकिन ऑफ कोर्स फैंस के बीच में ओरिजिनल फ्रेंचाइजी का रेफरेंस बरकरार रखने के लिए ही इस नाम को फिर से इस्तेमाल किया गया, जो मेरे हिसाब से उतना सही नहीं था। खैर अल्टीमेटली इस मूवी को कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि चाइना में इसे द कंग फू ड्रीम बुलाया जाता है, वहीं पर साउथ कोरिया और जापान में इसे द बेस्ट किड बुलाया जाता है। वहीं पर जेडन स्मिथ इस रीमेक मूवी के अंदर उस समय 12 साल के थे, बट फिर भी उन्होंने 3 महीने की मेहनत लगाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली, जिसके अंदर उन्होंने 3 टेक्निक्स को सीखा था। खैर इस मूवी के अंदर हमें मेंटर के रूप में मिस्टर हान यानी जैकी चैन देखने को मिले, जिनका चाइना में काफी ज्यादा जलवा है, और यही रीजन है कि वेस्टर्न प्रोडक्शन होने के बावजूद भी इस मूवी की फिल्मिंग के लिए प्रोडक्शन को काफी ज्यादा आसानी हुई थी और उन्हें कई सारी परमिशंस बड़े आसानी से मिल जा रही थी। एग्जाम्पल के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सीक्वेंस बिहाइंड द सीन टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से फिल्म करना आसान नहीं था, साथ ही साथ यहाँ पर फ्लाई करना भी मना है, बट जैकी चैन के रिक्वेस्ट पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर से कई सारी ओवरहेड शॉट्स लेने की इजाजत चाइनीज गवर्नमेंट ने दे दी थी। बात अगर की जाए क्रिटिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो पहली 4 मूवीज को तो यहाँ पर $15 मिलियन ईच के अंदर ही बनाया गया था। इसमें स्पेसिफिकली 2010 की कराटे किड मूवी ही थी जिसे $40 मिलियन के बजट पर बनाया गया था। ऑल इन ऑल इस मूवी फ्रेंचाइजी के ऊपर टोटल $85.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जिसमें इसने टोटल $440 मिलियन आज तक कमाए थे, जो अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन के आसपास होता है अगर हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। बात करें अगर अवार्ड्स की, तो पहली मूवी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और एकेडमी अवार्ड्स में पैट मोर्टिया को नॉमिनेट किया गया था, बट यहाँ इसे वो अवार्ड नहीं मिले। वहीं पर सेकंड मूवी को ग्लोरी ऑफ लव के लिए एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का नॉमिनेशन मिला था। थर्ड और फोर्थ मूवी को कोई खास क्रिटिकल रिसेप्शन नहीं मिली, लेकिन वहीं पर रीबूट को पीपल्स चॉइस अवार्ड में
बेस्ट एक्शन स्टार का अवार्ड, किड्स चॉइस अवार्ड में फेवरेट बट कीकर जैकी चैन को दिया गया, वहीं पर फेवरेट मूवी के लिए इस मूवी को अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ यंग आर्टिस्ट अवार्ड के अंदर यहाँ पर जेडन स्मिथ को अवार्ड दिया गया। अब फाइनली बात करते हैं इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी की वापसी के बारे में, जहां पर टीवी शो के अंदर कोबरा काई की लेगेसी 6 सीजन तक बढ़ चुकी है, लेकिन वहीं पर मूवीज के अंदर कराटे किड वापस आने वाली है, जहां पर वैसे तो 2010 की मूवी के अंदर राफ मकियो अपने डैनियल के कैरेक्टर में वापस नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कैमियो को रिजेक्ट किया था, लेकिन आने वाली मूवी के अंदर जैकी चैन के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं और पॉसिबली ये कोबरा काई सीरीज से भी कनेक्ट होनी चाहिए। लेकिन इस बार इस मूवी की लीड के लिए यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कास्टिंग चालू हो चुकी है और सब कुछ अगर सही रहा तो इस बार हमें 13 दिसंबर 2024 को ये मूवी देखने को मिल जाए। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। और हाँ, कोबरा काई सीरीज की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है तो उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे चुका हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइए कि आप कराटे किड सीरीज के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं, तो अभी के भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।